गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं बिहार के मुंगेर जिला में, जहां पे बहुत सारी फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी। आप लोग जो भी बिहारवासी हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो को मेरा पर्पस है, ये देख सकते हैं मुंगेर का पुल जो कि 4.25 किलोमीटर लंबा है और इसको बनाने में 930 करोड़ रुपया लग गया है। और ये पुल देख सकते हैं यहाँ से हमारे पीछे, अभी मैं बैक कैमरे से आपको पुल दिखाता हूँ, फिर पुल के ऊपर चलेंगे और फिर आपको पुल दिखाएंगे। ये सड़क पुल बना है, रेल पुल नीचे है, वो तो पहले से था लेकिन सड़क पुल अभी नया बना है। 11 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को पुल दिखाता हूँ। बिहार वासियों के लिए सबसे ज्यादा खुशखबरी का ये दिन है कि उन लोगों के लिए सड़क मार्ग बन गई है पुल। कैमरा से आप लोगों को पुल दिखाता हूँ, फिर डायरेक्ट चलेंगे पुल के ऊपर। बिहार का तीसरा सबसे लंबा पुल जो कि अभी बन के तैयार हो चुकी है, इसका इंतजार बिहार वासियों को 20 साल से था। तो उसका जो बिहार वासियों का जो भाव है, उसे एक परमानंद परोपकारी एक गायक हैं, लेखक भी वही हैं, एक सब्जी बेचने वाले ने अपने गाने में डाला है, तो उनका गाना जरूर देखें। और अभी आप लोगों को पूरे राइड एक्सपीरियंस दिलवाते हैं कि इसके पुल पर चलने पर, बाइक चलाने पर कैसा एक्सपीरियंस है और कितना मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ पुल पे और देख रहे हैं इस तरफ ड्राइविंग चल रहा है, बाइक से आया हूँ मैं अपने। और ये जो पुल है, 6 घंटे लगते थे, 5-6 घंटे इसको पार करने में, तो उसकी सिर्फ 1 घंटा हो गई है दूरी। तो बहुत हम लोग के लिए खुशखबरी है बिहार वासियों के लिए कि 5-6 घंटे की दूरी हम लोग मात्र अब 1 घंटे आए आधे घंटे में पूरे कर लेंगे। बाइक से जा रहे हैं तो आपको सुल्तानगंज वगैरह जाना भी बहुत आसान हो गया बिहार वासियों के लिए। तो सबसे ज़्यादा खुशखबरी है ये पुल बनने से। अभी मैं पुल के ऊपर आ चुका हूँ जिस तरह मैंने आपको बताया, और ये अभी जस्ट मैं नीचे था इसके, और ऊपर से आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि पुल कैसा दिख रहा है। मुंगेर में गन की और सिगरेट की फैक्ट्री कैसे बनी, ये घटना उस समय की जब बंगाल में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को वहाँ का राजा बना दिया, तो वहाँ का नवाब बनने के बाद मीर कासिम भागकर मुंगेर आए, और मुंगेर में उन्होंने देखा कि इनके पास न्यू टेक्नोलॉजी की गन वगैरह है, तो उन्होंने वैसा बनाना चाहा। तो वो बनाने के लिए उन्होंने 2-4 सिपाही को पकड़कर कुछ शराब पिलाया और उनसे टेक्निक सीख गए गन का, और उन्होंने वहाँ पे गन की फैक्ट्री डाल दी। और उसके बाद अंग्रेज सिगरेट के भी बहुत आदी थे, उन्होंने वहाँ पे सिगरेट का भी फैक्ट्री डाला। तो गन और सिगरेट की फैक्ट्री जो है अभी तक चली आ रही है मुंगेर में। ये खूबसूरत चमचमाती पुल जो अभी आप लोगों को मैंने राइड दिखाया, बाइक राइड, और अभी भी मैं जा ही रहा हूँ पुल पे, तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, हावड़ा जल का जो ब्रिज है कोलकाता का, उसे भी ये बिहार की ब्रिज जो फेल करती हुई दिख रही है। और ये ब्रिज बिहार वासियों के लिए इसलिए इमोशनल का विषय बन चुका है और इसलिए खूबसूरत और सबसे अच्छी खुशखबरी है बिहार वासियों के लिए, क्योंकि बिहार के लोग जब इस पार से उस पार खगड़िया वगैरह या पुल पार करते थे तो नाव से पार करते थे, या फिर बहुत लोग ऐसे थे जो अपने जान को जोखिम में डाल के साइकिल से या पैदल यात्रा नीचे बनी हुई रेल पुल उसके थ्रू और रेल पुल पार करके गंगा नदी को पार करते थे। लेकिन अभी बहुत 20 सालों का इंतजार बिहार वासियों का ख़त्म करते हुए नीतीश सरकार ने बिहार वासियों को सबसे बड़ा तोहफा दिया है कि वो अब रेल से नहीं, पैदल नहीं, अब आराम से अपने कार से, बाइक से, टेम्पू से भाड़ा देकर इस पार से उस पार जाने के लिए रोड ब्रिज का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने पुल का सफ़र खत्म करते जब आगे बढ़ा तो इस तरफ जो बॉर्डर दी जाती है रोड के साइड में, वो जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो अभी पूरा चल रहा है, और इस तरफ पूरे रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम होने के बाद और भी खूबसूरत हो जाएगा मुंगेर शहर। तो इस तरफ और दोस्तों जब आप पुल घूमने आएंगे तो हमारे पीछे देख सकते हैं चंडिका देवी मंदिर, बहुत ही पुराना है, तो वो पीछे पुल है, हम लोग तो थोड़ा घूम के आए हैं, लेकिन अभी पुल से जाएंगे, पुल से आप नीचे किसी से पूछते हुए आ जाएंगे तो आप यहाँ पे चंडिका देवी मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं जब पुल घूमने आएंगे तो। और ये भी बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ भी ज़रूर आए घूमने।
और बैक कैमरे से थोड़ा सा मंदिर दिखा देता हूँ आप लोग को और पुल वगैरह।